तो गाइज आपका भी एयरटेल पेमेंट बैंक से पैसा कट गया है। और दोस्तों आप जितना भी एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसा ऐड कर रहे हो वो आपका कटता ही जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों आपने इसके बारे में यूट्यूब पर बहुत ज्यादा वीडियो सर्च भी कर ली और देख भी ली दोस्तों, आपको वीडियो में इसी तरह घुमाते हैं दोस्तों, आपका पैसा अभी तक वापस नहीं आया, आपने हर तरीके से ट्राई कर ली। लेकिन दोस्तों मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा, धासु तरीका, जिस तरीके से आप अपना कटा हुआ पैसा वापस ला सकते हो। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। और दोस्तों आपका पैसा है जो वो दो तरीके से कटता है। एक तो तरीका है जो कि दोस्तों आपने किसी से गलती से ओटीपी बता दिया दोस्तों, या दोस्तों आपका हर महीना 29 रुपया या उससे ज्यादा या उससे कम कटता है, तो दोस्तों आप उन कटे हुए पैसों को कैसे वापस ला सकते हो सिर्फ 2 मिनट में अपने मोबाइल से ही। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों आपको करना क्या है अपना पैसा वापस लाने के लिए, तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल से ही अपना एयरटेल थैंक्स ऐप्स ओपन कर लेना है। और दोस्तों जैसे ही ओपन करोगे तो दोस्तों आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, और दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है आपकी प्रोफाइल का, आप देख सकते हो यहाँ। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि इसी तरीके से यूट्यूब पर हर वीडियो में बताते हैं कि आपको यहाँ पर आना, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक न्यू ट्रिक से बताऊंगा जिस तरह से आप फॉलो करके इसे अपना कटा हुआ पैसा वापस ला सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, आपका पैसा 100% आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आ जाते हो अपना एयरटेल थैंक्स ऐप खोलकर, तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है सेटिंग का, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाता है पेमेंट सेकंड का दोस्तों। तो दोस्तों आपको बैंकिंग पर ही क्लिक कर देनी है। जैसे आप बैंकिंग पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है हिस्ट्री। अगर दोस्तों आप ये देखना चाहते हैं कि हमारा पैसा कटा कहां से, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देनी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कहेंगी जानकारी लेना चाहते हो रिचार्ज है उसका, लेकिन दोस्तों अगर आपको पता है कि हमारा पैसा इस वजह से कट रहा है और आप कटे हुए पैसे को वापस लाना चाहते हो, तो दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कस्टमर यूजर, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको नीचे आ जाना है, ऑप्शन आया ऑफिसर, आप देख सकते हैं न्यूटन ऑफिसर, तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देनी है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन आ गया आपके पास लिखा। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा तो बहुत वीडियो बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं विकास राणा इसका नाम है, जो कस्टमर केयर का नंबर आपको जो आपका पैसा वापस दिलाएगा दोस्तों आपको यहाँ पर। और अगर इनका नंबर चाह रहा है तो दोस्तों देख सकते हैं अपना कस्टमर केयर नंबर भी डाल रखा है दोस्तों, आप इससे बात करके अपना कटा हुआ पैसा 100% ये आपको वापस दिला देता है। अगर आप इस नंबर पर कॉल करते हैं आपको 24 घंटे के अंदर आपको जितना भी पैसा कटा है चाहे 1,000 या 10,000 या 20,000 वो आपका सारा पैसा आपका बैंक अकाउंट में दिला देंगे। आप देख सकते हैं इनका सारा प्रूफ लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है दोस्तों। अगर आप इनकी ईमेल पर करना चाहते हो तो दोस्तों ईमेल भी इनकी यहाँ पर ये लिखी हुई है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना कटा हुआ पैसा वापस ला सकते हो अगर दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपका पैसा वापस आ जाता है हमें कमेंट में बताना, और वीडियो कैसी लगे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों आपका पैसा 100% आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।